जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव बमोरी घाट जो कि आपकी, और किस तरह गांव में विकास दम तोड़ता हुआ देखा जा रहा है। करण सिंह, ग्राम प्रधान। आप बताएंगे? रूप सिंह राजपूत, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान। ये हर गंगे जल निगम का जो काम चल रहा है, इन लोगों की लापरवाही से हमारे गांव को बहुत सी परेशानी हो रही है। आने जाने में इतनी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी बीमार हो जाता है तो कोई ना यहाँ जा सकता है, ना कोई वाहन आ सकता है, ना कुछ, ना एम्बुलेंस आ पाती है। और जो स्कूल के बच्चे हैं, अब आज से स्कूल खुलना है तो बच्चा स्कूल के पास भी नहीं जा पाते हैं। व्यवस्था ये है कि जो हमारे यहाँ दो DP जली हुई हैं हमारे गांव की, एक स्कूल के पास की और एक उस मोहल्ले की, इसके बिल भी भर चुके हैं, अप्लाई भी कर दी, लेकिन अभी DP नहीं आई। वजह क्या कारण है कि DP आज अभी तक नहीं रखी? इतना समय हो गया। लगभग कब करी थी? दो तीन माह हो चुका है, और जबकि स्कूल के पास की DP कम से कम 6 माह से। हाँ, भूमि पड़ी है शमशान घाट के लिए 1 एकड़ 86 दशमलव। हम सोचते हैं कि जो जमीन पड़ी है उस पर लोग बाग थोड़ा बहुत कब्जा भी करे हैं, तो वो निकल के उस पर मुक्ति धाम बनाया जाए। इन लोगों ने लड़ लड़ कर सड़कों को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन इन लापरवाह ठेकेदारों ने उन सड़कों को खोद दिया। तो दावा यह भी क्या कहा गया था, एग्रीमेंट यह भी हुआ था कि जैसी सड़क है हम वैसी सड़क आपको बना के देंगे, लेकिन आज 6 महीने का समय हो चुका है, बरसात का मौसम लग चुका है और सड़क किस तरह दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, ये खुद भाई साहब अपनी स्वयं जुबानी यहाँ पे बता रहे हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका, और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव बमोरी घाट जो कि आपकी पर ग्राम पंचायत यहां पर लगती है। और जैसे कि हमने आपको जगह जगह की तमाम हकीकत दिखाई, क्या कुछ वर्तमान स्थितियां देखी जा रही है और किस तरह गांव में विकास दम तोड़ता हुआ देखा जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं क्या कुछ लोगों के पास पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं हो तो जागरूकता का अभाव भी देखा जा रहा है, तो तमाम मुद्दों पर हमने जाना। और आज हम ग्राम पंचायत बमोरी घाट में पहुंचे, हमारे साथ ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद है। थोड़ा हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान स्थितियां देखी जा रही है और आगामी क्या कुछ नतीजे होंगे और पूर्व में क्या स्थितियां थी, वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? रूप सिंह जी। आपका नाम? करण सिंह। करण सिंह, ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान जी। आप बताएं जी, क्या नाम? रूप सिंह राजपूत, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान जी। अभी वर्तमान हालातों की हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ अभी देखा जा रहा है वर्तमान हालत विकास में, सड़कें, बिजली, पानी, क्या कुछ है? हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, सड़कें तो अभी खराब पड़ी हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत से हुई है, 2 CC हुए हैं और 2 नाली हुई हैं और ये 1-2 संपर्क मार्ग डले हैं। हाँ। उस पर मरम भी डल चुकी है। किस तरह आपने, मतलब कहाँ से कहाँ तक का आपने जो सड़क है उनको मजबूत बनाने का काम किया? हमने एक सिप्पू पाल के खेत से ये क्या बोलते हैं गोकल के खेत तक एक सेक्टर मार्ग, एक ये है, दूसरा गोविंद सिंह के मकान से मुक्ति धाम तक एक सेक्टर डल चुका है। जब आपके गांव में घुसते हैं तो सबसे ज्यादा कीचड़ वहां पे देखा जा रहा है, तो क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जो हर गंगे जल निगम का जो काम चल रहा है, इन लोगों की लापरवाही से हमारे गांव को बहुत सी परेशानी हो रही है। आने जाने में इतनी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी बीमार हो जाता है तो कोई ना यहाँ जा सकता है, ना कोई वाहन आ सकता है, ना कुछ, ना एम्बुलेंस आ पाती है। और जो स्कूल के बच्चे हैं, अब आज से स्कूल खुलना है तो बच्चा स्कूल के पास भी नहीं जा पाते हैं, कई बच्चे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। कब से समस्या बनी है ये? कम से कम समस्या है 6 माह से। 6 माह से जी। तो यहाँ पे सड़कों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सड़क इस कदर ध्वस्त हो चुकी है, लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है, बरसात का मौसम लग चुका है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, कीचड़ इतना ज्यादा फैल चुका है वहां पे कि जब पैर रखते हैं तो पैर भी वहां पे धस जा रहा है, यहां तक कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे, स्कूली जो बच्चे हैं उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, एम्बुलेंस अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो भी यहां पे नहीं पहुंच पाती है, और मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो अगर वो एक बार फंस जाए तो निकालना भी मुश्किल यहां पे हो जाता है। लापरवाहियां यहां पे जो ठेकेदार है उनकी लापरवाही मनमानी यहां पे देखी गई है, जो लंबे समय से यहां पर जो सड़कें खोद दी गई थी उसको दुरुस्त नहीं कराया गया, जो कि पहले एक समय यहाँ पे सड़क मजबूत होया करती थी, सड़क अच्छी खासी होया करती थी, इन लोगों ने लड़ लड़कर सड़कों को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन इन लापरवाह ठेकेदारों ने
उन सड़कों को खोद दिया। और दावा यह भी क्या कहा गया था, एग्रीमेंट यह भी हुआ था कि जैसी सड़क है हम वैसी सड़क आपको बना के देंगे। लेकिन आज 6 महीने का समय हो चुका है, बरसात का मौसम लग चुका है और सड़क किस तरह दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, ये खुद भाई साहब अपनी स्वयं जुबानी यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि लोग किस तरह जूझ रहे हैं, किस तरह परेशान हो रहे हैं, इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। एक बार देखें यहाँ के गाँव में आकर और यहाँ की व्यवस्था जाने कि किस तरह लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राम प्रधान का भी लगातार यही उनका कहना है कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम भी इससे परेशान हो चुके हैं, चूंकि ये हमारे साथ साथ सारे ग्रामीण वासी पूरे परेशान यहाँ पे होते हुए देखे जा रहे हैं। और यह स्थिति केवल इसी बमोरी घाट में ही नहीं, कई अन्य गांव में भी देखी जा रही है, गुमची भी कर कई 4 से 5 गांव भी इस क्षेत्र में लगते हैं और भी कई तमाम गांव ब्लॉकों में देखे जा रहे हैं। जगह जगह हालात यही है, ठेकेदार की मनमानी यहां पे देखा जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह लापरवाहियां लगातार गाँव में देखी जा रही है। और क्या क्या समस्याएं आपको गाँव में हो रही है? हमारे गाँव में सब में ज्यादा परेशानी यही है, जो ये गाँव में जो पाइपलाइन बिछाई गई है, ये लोग बोलते हैं कल हो जाएगा सीसी, परसों हो जाएगा सीसी, 6 महीना से यही टाल रहे हैं। ठेकेदार का नाम तो हमको मालूम नहीं है, जीएमसी कंपनी है वे हैं। एक पैरासी जो जो वहाँ का जो यही वगैरह जो भी हो, आपको नहीं लगता कि संबंधित अधिकारी को भी इसकी सूचना पहुंचना? नहीं, हमने कई बार अपर जिला अधिकारी को भी एक एप्लीकेशन दी और एक इनके विभाग के जो ग्रुप होता है इनके ग्रुप पे भी डाली। बाकी अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो वो क्या कुछ यहाँ पे देखी जा रही है? शिक्षा की बात, समय से स्कूल खुलते हैं, समय सही है। अगर बात की जाए विद्युत व्यवस्था तो वो क्या कुछ है? विद्युत व्यवस्था ये है कि जो हमारे यहाँ 2 DP जली हुई है हमारे गांव की, एक स्कूल के पास की और एक इस मोहल्ले की, इसके बिल भी भर चुके हैं, अप्लाई भी कर दी लेकिन अभी DP नहीं आई। वजह क्या कारण है कि DP आज अभी तक नहीं रखी गई? कितना समय हो गया? लगभग कब करी थी? 2-3 माह हो चुका है और जबकि स्कूल के पास की DP कम से कम 6 माह से खराब पड़ी है। 1.5 साल से खराब है स्कूल के पास। तो इसके आपने जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित किया? नहीं, सूचित किया है लेकिन सुनती नहीं है। वो कहते हैं बिल भरो और बिल भरने के बाद आपकी DP 24 घंटे में आ जाएगी। बिल भी भरे जा चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि स्थितियाँ गांव थोड़े अंदर होने के कारण ये जो अधिकारियां हैं अपनी लगातार मनमानियां यहाँ पे करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल भी लोग लगातार भर रहे हैं और जिनके बकाया भी रह गए थे उनके भी बिल जमा करवा दिए गए। 6 माह हो चुके हैं, 6 माह से यहाँ पे DP नहीं रखी गई है, जो कि ट्रांसफार्मर और यहाँ पे विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर ठप होते हुए देखी जा रही है। बात करने राशन की, सरकार सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है, जो गरीब असहाय पात्रता की श्रेणी में आते हैं, निःशुल्क भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, तो वो क्या कुछ यहाँ पे हकीकत देखी जाती है? क्या बाकी में पात्रता को लोगों को राशन मिल पा रहा है? ये तो मालूम पूरा है कि जिसको जिस राशन जो बना है उसको पूरा मिल रहा है, इसमें कोई ना हमें कोई शिकायत मिली अभी तक कि कोई व्यक्ति को नहीं मिला हो, तो किसी की शिकायत नहीं मिली हमें अभी तक। आप क्या कहेंगे? जाके कुछ थोड़े आदमी रह गए, कम से 10-20 आदमी उनको नहीं मिलता है राशन। अच्छा, वजह क्या है? वजह उनका 2-3 दफे उन्होंने कागज दे दिया, राशन कार्ड कट गए उनमें से। तो राशन कार्ड जो काटे गए हैं तो आवेदन करने का प्रयास किया? आवेदन किया है, आवेदन हो नहीं रहे हैं। कई लोगों ने ऑनलाइन भी कर दिए लेकिन उनके उसमें इधर उधर भटक रहे। पेयजल व्यवस्था क्या देखी जाती है? पेयजल व्यवस्था सही है, गर्मियों में थोड़ी परेशानी आती है पानी की। क्या है यहाँ, वाटर लेवल कम है, वैसी व्यवस्था। स्वास्थ्य सेवाएं क्या कुछ है? स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवा नहीं है। लगभग स्वास्थ्य जो सुविधाएं नहीं होने से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, कहां तक लोगों को भागना पड़ता है? अगर इधर हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो जो लोग बाग बाहर जाते हैं तो भी नहीं भागेंगे, यहीं की यहीं दवाई होगी उनके लिए। नहीं होने से क्या समस्याएं होती हैं? महरोनी जाते हैं सब लोग। अच्छा। महरोनी जो जैसा, कितनी दूरी पड़ती है यहाँ से? महरोनी की दूरी है 5 किलोमीटर, स्वास्थ्य केंद्र है 7 किलोमीटर। अच्छा, 8 किलोमीटर। तो क्या इसके लिए भी आपने अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, तो उनको अभी तक आपने अवगत नहीं कराया? तो क्या आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना? होना चाहिए। अच्छा, बाकी अगर शमशान घाट की बात कर लें, तालाब की बात कर लें, किसानों की अगर बात कर लें तो क्या कुछ है?
यहाँ भूमि पड़ी है शमशान घाट के लिए 1.86 एकड़। हम सोचते हैं कि जो जमीन पड़ी है उस पर लोग बाग थोड़ा बहुत कब्जा भी करे हैं, तो वो निकल के उस पर मुक्ति धाम बनाया जाए। कब्जे की बात कर लें तो सरकार लगातार जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, लगातार सरकारी जमीन को मुक्त कराने का काम कर रही है, तो क्या अभी तक आपने प्रशासन को जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आपने उनको अवगत कराया? नहीं नहीं, जो कब्जा किए हैं लेखपाल ने अपनी तरफ से नहीं सरकार की तरफ से उनको नोटिस भी थमा दे। मुक्ति धाम बनना चाहिए सर, मुक्ति धाम। समस्या क्या होती है नहीं होने से यहाँ? नहीं मैं बता रहे आपके लिए, यहाँ जाने में अभी जो रोड डल गया है मुक्ति धाम के लिए, वहाँ जगह है थोड़ी। अगर मुक्ति धाम बन जाए तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ हो जाएंगी। यहाँ कीचड़ वहाँ बहुत सारा है, खदाने भी हैं वहाँ। पहले बंजर डली हुई जमीन, तो लोग बाग पहले कम से कम 20 साल पहले जब चकबंदी हुई थी तब से आदमी पहले उठा ली उन लोगों ने मिट्टी, तो वहाँ गड्ढे हैं। किसानों के लिए क्या कुछ देखा जा रहा है? कूप निर्माण, चेक डैम, तालाब? जी नहीं, हमारे यहाँ कूप निर्माण तो नहीं है, पिछली पंचवर्षीय में भाई थी जी। बाकी अगर तालाब की बात कर लें, तालाब अमृत सरोवर तालाब की प्रक्रिया जारी है। अगर हम आवासों की बात कर लें, सरकार गरीब असहाय लोगों को आवास शौचालय कराने का उपलब्ध कराने का भी काम कर रही, तो क्या कुछ अभी देख अभी लोगों अभी पात्रता की सीढ़ी में लोग आ रहे? अभी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बमोरी घाट में 44 आवास पास हुए थे, पूरे पात्र हैं और लगभग उसमें 60% काम पूर्ण हो चुका है, 60 या 70 के लगभग। लेकिन क्या है, उन लोगों की अभी जो बाकी की किस्त है 70,000 की, वो सरकार द्वारा अभी आई नहीं है, तो कुछ पड़े हैं अधूरी जी। अच्छा, शौचालय की बात करें तो शौचालय लगभग अभी 30% लोग बाग रह चुके हैं अभी। हाँ, तो ये यहाँ पे वर्तमान हालातों पर बात थी और क्या कुछ अभी वर्तमान स्थितियाँ देखी जा रही हैं वो भी उन्होंने बताया, और आगामी क्या कुछ और नतीजे होंगे आगे और क्या क्या आपको काम करवाना है जो कि गांव की सूरत बदली जाए। हम ये सोचते हैं जैसे अभी शौचालय हैं जो कम से कम 1 साल 2 साल हो गई, 2 साल से 42 आवास पड़े हुए हैं, एक किस्त आ गई, एक किस्त अभी आई नहीं उनकी, तो हम सोच रहे सरकार वो भेज दे, किस्त भेज दे। और जो गांव को विकास है, हमारी छोटी सी ग्राम पंचायत है, पैसा कमाता है, तो कोई सांसद निधि या विधायक निधि से या जिला पंचायत निधि से हमारे गांव का विकास हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है जी। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ अभी बरसात का मौसम है, वृक्षारोपण कितना क्या प्रयास है? वृक्षारोपण हमारे एस्टीमेट बन गया है, यहाँ से ये बोलते हैं नहर से भोड़ बांध के रोड तक 6,000 पौधन का दोनों किनारे, एक सिप्पू पाल के खेत से एक नदी के किनारे तक वहाँ 4,000 पौधों का। ग्राम पंचायत भवन खोला गया है, उसमें कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, तो अभी वर्तमान में क्या क्या सुविधाओं का लोग लाभ ले पा रहे हैं उसमें? ग्राम पंचायत में अभी तो क्या है, पेन नहीं लगा है अभी, माने लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से पंचायत भवन में कुछ लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसे आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है और राशन कार्ड है, और मन से चलो आप ये ऑनलाइन करते हैं तो सारी सेवाएं जी पंचायत भवन में होती हैं, लेकिन लाइट के कारण, प्लेट के कारण, माने लाइट की व्यवस्था के कारण नहीं हो पा रही है। तो तमाम सवालों पर जवाब ग्राम प्रधान जी ने दिए और समस्याएं उन्होंने बताई कि किस तरह लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोग लगातार यहाँ पे परेशान होते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे जो सरकारी भूमि है उस पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया, जो कि लेखपाल द्वारा इन्होंने बताया कि उनको नोटिस भी थमा दिया गया है। तो यहाँ पे हालात यहाँ पे देख सकते हैं और क्या कुछ यहाँ की स्थितियां बनी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो गांव के बीच भी हम लेके चलेंगे, वहां पर भी जानने का प्रयास करेंगे लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ यहाँ की हकीकत बताते हैं, क्या कुछ यहाँ की वास्तविकता देखी जा रही है और क्या कुछ यहाँ पे कितना क्या विकास यहाँ पे दम तोड़ते हुए देखा जा रहा है और कितना क्या यहाँ पर विकास की गंगा बहाई गई है वो भी हम लोगों की जुबानी जानेंगे। और बने रहिए आप हमारे साथ, फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत।